अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। आज का व्लॉग जो मज़े का होने वाला है ना, क्योंकि इसमें हम नेचर के बहुत करीब रहने वाले हैं और गांव की वो जगह हो, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जन्नत नज़ीर जगह है और बहुत ही यानी जो आपकी रूह को तस्कीन देने वाली जगह है, उन जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। और आज एक पूरा ये जो टूर होगा, ये ग्रीनरी और प्यारी प्यारी जगह जो गांव की है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वेलर हमारे साथ, इसको थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा बैठा लिया ताकि थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स कर जाए और इसको थोड़ी सी जो है गर्मी जो इसको लगी है वो कम हो जाए, तो इसके बाद हम आगे जाएँगे। अच्छा, हम जब आगे जा रहे थे ना, तो सबसे पहले हमें एक मज़े की खेत नज़र आई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अच्छा, ये देखिए, ये बेसिकली है तंबाकू की किस्म है, लेकिन ये स्पेशल किस्म की तंबाकू है। और इस तंबाकू से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो केपीके की नस्वार होती है ना, वो इस तंबाकू से बनती है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये यहाँ पे खेत में ही इनके पत्ते काट के, तो यहाँ पे धूप में जो है ना सुखा के फिर इनको बेचते हैं और इनसे जो है नस्वार बनती है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा था। ये देखे, इन्होंने रास्ते के दाएं बाएं दरख्त लगाए हुए थे, तो उन्होंने किस तरह ज़बरदस्त किस्म का एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारे दरख्त है, और ये अभी मट्टी दाएं बाएं हो गई तो उनकी जड़ें नज़र आ रही है। तो ये एक रास्ता बना हुआ है। ये देखिए कितने हरे भरे खेत हैं। और ये यहाँ पे छोटा सा पौंड है, तो उसमें ये जो वाइल्ड बतखे होती है उन्होंने बच्चे दिए। ये देखिए छोटे छोटे उनके बच्चे उनके साथ खेल रहे और मस्तियाँ कर रहे हैं। ये तो हो गया गांव की एक साइड जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह है। अभी मैं गाड़ी में बैठ के ना, अभी मैं आगे जा रहा हूँ और आगे आपको ना बहुत मज़े की जगह दिखाऊंगा। वहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी कम है, लेकिन वहाँ की जो वाइब है ना वो डिफरेंट है। वहाँ पे बैरन खेत है और अक्सर वहाँ पे गंदम वगैरह इस तरह की जो फसलें वो होती रहती है। तो ये हम गांव के जो रोड्स है, और ये देखे दाएं बाएं सारे खेत लगे हुए मुख्तलिफ फसलों के, लोग जा रहे हैं, सादा ज़िंदगी है और सादा लोग है, असर का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो वाइब होगा, वहाँ का जो लुक होगा, वहाँ की जो नेचर होगी ना, उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो आप लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा देगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अक्सर मोस्टली लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ बनाता हूँ, ये आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोग इसको इन्जॉय कर सकें। अच्छा, यहाँ पे रास्ते में मुझे एक डेरा मिला जिसमें बहुत ज़्यादा प्यारे फूल लगे हुए थे, लॉन बहुत लश ग्रीन था। यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा रेस्ट किया और पानी शानी पिया, और फिर मैं आगे आपको अपनी लोकेशन पे लेके जाता हूँ, वो जगह दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत मज़े की, मुझे बहुत पसंद है वो जगह। एट लास्ट हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, जो कि बहुत मज़े की। आप यहाँ के स्काई का कलर चेक करें, ब्लू रेड, बहुत मज़े का। तो अभी आपको यहाँ का मैं टूर कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना, ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है,
तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रेत होती है, जो सेंड होती, वो इस तरह के खेतों को काट के लेके जाते हैं। तो ये अभी यहाँ से थोड़ी सी कटाई हुई है, लेकिन ये आप दूर तक देख सकते हैं ना, तो ये सारी ज़मीन ना इनकी कटाई हुई है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इसकी हाइट कितनी कम हुई है। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है बादलों को देखे, और यहाँ पे ये देखो दूर से किसान, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे किसान अपनी गंदम वगैरह सारी समेट रहे हैं, और सनसेट जो ना हो चुका है, काफ़ी लो लाइट कंडीशन है, ये देखे सूरज ग्रूब हो चुका है, लेकिन वेदर ना बहुत प्यारा है। अच्छा, ये जितना भी जो ना गंदम वगैरह ये सारी इसकी कटाई तो हो गई, लेकिन अभी ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या जो है ना काश किया होगा, तो इसमें ना अभी मूंगफली जो है वो इन्होंने काश की है। तो ये अगर पुराने व्लॉग्स आप देखें ना, तो उसमें ये लश ग्रीन जो है ना मूंगफलियों के खेत होते, और इसी में जो मूंगफली होते, तो पुराना व्लॉग भी आप देखें और सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोगों को उसका भी मज़ा आएगा। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें भी हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों को नेचर के करीब लेके जाए, और आपको एक ऐसा व्लॉग दिखाए जिसे आपको सुकून मिल जाए, जो कि आपको अच्छा लगे। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि जो ना नेक्स्ट व्लॉग भी आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और इस तरह जो है ना हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नई जगह पे, अपने प्यारे पाकिस्तान में। साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।